प्रभु जी तो बहुत सारा थैंक्स करते हैं। जिस सिस्टर का नाम स्नेहा है और जो वेर के शहर की रहती है, रहने वाली है, और जिस सिस्टर की गवाही जे है कि एक साल से इसकी बॉडी में एलर्जी की प्रॉब्लम थी और पूरी बॉडी में तो कम थी और इसके हाथ और पाँव में बहुत ज़्यादा एलर्जी की प्रॉब्लम थी और जो एक साल से मेडिसिन खा रही थी, जैसे जो मेडिसिन खाती थी फिर अच्छी होती नहीं तो फिर से ये प्रॉब्लम इसके बॉडी पर शुरू हो जाती थी। और पहले हम इसके पिक को देखेंगे जो इसके हाथ और पाँव में बहुत ज़्यादा एलर्जी की प्रॉब्लम थी। और ये सिस्टर बहुत परेशान रहती थी क्योंकि इसके हाथ के ऊपर ये प्रॉब्लम होने के कारण ये अपने हाथों के कारण पानी में भी हाथ नहीं थी डाल सकती और घर का काम भी नहीं थी कर सकती और ये बहुत परेशान थी। और ये सिस्टर ऐसे प्रभु के में विश्वास करती थी। और जैसे ही मंडे के दिन प्रभु के दास कुछ लोगों के साथ मीटिंग करते थे जिनके जीवन में प्रॉब्लम्स थी और जो दुखी बीमार थे, और जैसे ही मंडे के दिन मीटिंग रखी थी और जे सिस्टर भी उस मीटिंग में आए और प्रभु के दास सबको उत्साहित कर रहे थे और बाद में उनके लिए ली एंड प्रार्थना हुई। सबसे पहले हम उस क्लिप को देखेंगे। कंदी दुष्ट आत्मा चल, एलर्जी देने वाली दुष्ट की कंदी आत्मा चल, इसकी बॉडी से निकल निकल पूरी तरह से, चल चल शतान, चल पूरी तरह से इसकी जिंदगी से, चल पूरी तरह से इसकी जिंदगी से तुझे मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ, चल पूरी तरह से इसके अंगों से, इसके अंगों से, इसके शरीर से मैं तुझे डिस्कनेक्ट करता हूँ, चल छोड़, चल निकल पूरी तरह से, निकल निकल आउट आउट आउट, चल डिस्कनेक्ट करता हूँ इसके सोचों से, चल पूरी तरह से, चल इसके अंगों से, इसकी सोच से शैतान, चल पूरी, चल 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 पूरी तरह से, पूरी तरह से उखड़ उखड़ उखड़, चल शट शट, निकल पूरी तरह से, चल बीमारी देने वाली गंदी दुष्ट की आत्मा, चल मैं तुझे उखाड़ कर शुरू से, चल आज से, चल अब। तो जैसे ही जिस सिस्टर के लिए उस दिन ले प्रार्थना हुई और जो बता रहे हैं कि उस दिन उसी दिन से ही परमेश्वर ने जो इसकी एलर्जी की प्रॉब्लम थी इसके हाथ और पांव में पूरी तरह से परमेश्वर ने इस प्रॉब्लम से इसे फ्री कर चुके हैं। अब कोई भी आकर इसके हाथों और इसके पांव को देख भी सकते हैं कि बिल्कुल वो जख्म सूख चुके हैं। हम सब दिखाऊं अपने अपने हाथों को कैमरे में झूम करो, दिखाऊं इसके पांव और हाथों को, लो देखो सिर्फ, हाँ थोड़ा सा उठाओ थोड़े अपनी, हाँ खाली ये निशान है, बोलो क्या है। अभी आपने उस पिक में देखा कैसे कितने मोटे मोटे दाने बने थे, अभी खाली सिर्फ निशान है, क्या है सिर्फ, और ये एक साल से थे और एक साल से ये मेडिसिन खा रहे थे, मेडिसिन खाते थे अच्छा हो जाए, फिर दोबारा वो वैसे मेडिसिन खाना अच्छा हो जाना फिर वैसे हो जाना, ये एक साल से। और ये कहते हैं कि पानी में हाथ डालना, घर का काम करना इनके लिए बहुत डिफिकल्ट, मतलब कठिन हो चुका था, हाँ, और ये एक साल से ऐसे चल रहा था। अभी देखो अभी मंडे की मीटिंग रखी है ना, जो लोग प्रॉब्लम में दुखों में जो लोग प्रभु में बढ़ना चाहते हैं वो आ सकते हैं, पर टाइम नहीं है, बोलो क्या है, टाइम नहीं है। और जिनके पास टाइम होता है, बोलो क्या है, क्या होता है, टाइम, खुदावंद उनको छूता है। क्यों लिखा, खुदावंद छूने के क्या होते हैं, कैसे गाते हैं हम, कैसे खुदावंद के छूने से, हाँ हाँ ये थोड़ा सा गाओ, बड़ा अच्छा लगता मुझे, हाँ। खुदावंद तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं, खुदावंद तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं,
खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं, खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं, खुदावन तेरे छूने से। किसके छूने से? किसको छूने से? किसके छूने से? किसके छूने से बड़े बड़े काम होते हैं? हाँ, उसके छूने से मुर्दे भी आपको पता उठ खड़े होते हैं। हमारी प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है, मैंने कहा उसके छूने से मुर्दे भी क्या होते हैं। अगर चार दिन के, अपने बाइबल में सुना है कि नहीं, चार दिन का मरा लाजर किसने उठा दिया? दुनिया में ऐसे होता कभी? होता कभी? पर किसके छूने से? उसके छूने से बड़े बड़े काम भी होते हैं और जिंदगियां बदलती हैं। क्या है? जिंदगियां बदलती हैं। पर कब परमेश्वर अपने लोगों को बदलता है, कब उन्हें छूता और डिलीवर करता है और आशीष करता है? जब वो सांस से, तैयारी से, भूख से, प्यास से आते हैं कि मैंने अपना काम किससे कराना है, मैंने अपना काम किससे कराना है, और मेरे लिए कौन करेगा, क्योंकि मेरे लिए कौन मरा है? हाँ, मेरे लिए कौन मरा है? और जिसके अंदर ये विश्वास है, बोलो क्या है भाई? जिसके अंदर मैंने कहा ये विश्वास है ना, चमांद्रू लंगड़ा भी दौड़ेगा यीशु के नाम से। हाँ, मैंने कहा चमांद्रू लंगड़ा भी यीशु के नाम से दौड़ेगा। ये तो कुछ भी नहीं है। हाँ, पर विश्वास से छूता है। हाँ, आए विश्वास से और दिया विश्वास, क्योंकि परमेश्वर मनों को जांचता है। हर एक आत्मा की मनसा उसके अंदर क्या है किसे पता है? हाँ, जैसे मन दिया और विश्वास दिया खुदा ने छुआ, क्योंकि इसकी कुछ आदतें थी जो इसको इसकी सही की। क्या की? सबसे पहले इसकी कुछ आदतें थी जो सही हुई, और जैसे ही इसने अपने आप को सही किया, क्योंकि टीम मुझे बताती है बच्चे, और जैसे ही इन्होंने अपने आप को सही किया, खुदावंद ने इसे छुआ और ये आज पूरी तरह से क्या है? फ्री हो चुके। जोर से आमेन, हालेलुया।